गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13। तो मित्रों जो अ डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर सेकेंड अ नंबर lying between 2 and 6 and 3 an odd number an odd number okay तो फ्रेंड्स देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं। एक डाइस है, हमने एक बार थ्रो किया तो उसके जो आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल नंबर 6। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होगा इसमें, 2, 3 एंड 5। ये कितने हैं, प्राइम नंबर हैं। टोटल कितने डिजिट हैं हमारे पास में, 3। इसमें देखिए 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमें दिए हैं 3, टोटल आउटकम्स हमें दिए हैं 6 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नंबर बी हमें पूछा है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ओके, तो देखिए 3, 4, 5 बिटवीन 2 एंड 6 में कितने नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे, 3, 4 एंड 5। टोटल नंबर्स कितने हैं, 3 हैं। सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, फेवरेबल आउटकम्स दिए हमें 3, टोटल आउटकम्स हमें दिए हैं 6 इज इक्वल्स टू 1/2। कितने दिए हैं, 1/2। ओके, नंबर थर्ड हमें लिखा है एन ऑड नंबर। फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो ऑड नंबर हैं वो कौन से हैं, 1, 3 एंड 5। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, जिसे हम टू से मल्टीप्लाई ना कर सकें। ओके, तो ऑड नंबर्स हमारे हो जाएंगे 1, 3 एंड 5 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 3 हुआ। ओके, यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितना, यहाँ पे 3/6 इज इक्वल्स टू कितना हुआ फ्रेंड्स, 1/2। तो देखिए बहुत ही इजी सम्स हैं,
ठीक है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए, नहीं आए आप फिर से पूछिए, प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। चलिए नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल स्पल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। Find the probability of getting number 1 a king of red color, number 2 a face card, number 3 the jack of heart, number 4 a red face card, number 5 a spade, then number 6 the queen of diamond, the queen of diamonds। ओके तो देखिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा गया है कि 52 कार्ड्स हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हुए, टोटल आउटकम्स हुए हमारे 52। ओके हमें पूछा अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं, ओके और उसमें किंग 2 होते हैं, डायमंड का एंड हार्ट्स, हार्ट एंड डायमंड दो किंग होंगे रेड कलर के, तो द किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे टी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं फ्रेंड्स हमारे पास में 2, कितने कार्ड्स हैं टोटल 52, इसका आंसर कितना आएगा 1/26। ओके देन हमें लिखा है फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। फ्रेंड्स मेरे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स के अंदर आपको ध्यान होगा मैंने कार्ड्स के बारे में समझाया था, तो उसमें फेस कार्ड टोटल मैंने कितने बताए थे 12। ओके 40 नॉन फेस कार्ड थे एंड 12 फेस कार्ड थे। तो हम अगर फेस कार्ड लेते हैं तो इसका जो आंसर होगा यहाँ हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल कितना हुआ 12/52, 4 से कट हो सकता है, ये कितना आएगा फ्रेंड्स 3/13। ओके क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है द जैक ऑफ हर्ट,
द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स, ओके। हार्ट्स का जैक कितना होता है? ओनली वन कार्ड। सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फ्रेंड्स देखिए, जैक का हार्ट, सॉरी हार्ट का जैक ओनली वन होता है, सो वन अपॉन 52। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं। हमें लिखा है अ रेड फेस कार्ड। तो मैंने जैसे बताया था रेड कलर के कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, ओके। और पर टाइप में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो रेड कलर के टोटल कितने हैं, 2 टाइप्स हैं, तो 3 2 जा कितना हुआ, 6 हुआ। देखिए कैसे, हार्ट का जैक, हार्ट की क्वीन, हार्ट का किंग, फिर डायमंड का जैक, डायमंड की क्वीन एंड डायमंड का जैक, टोटल 6 कार्ड। और रेड फेस कार्ड, ओके। तो यहाँ आएगा पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं फ्रेंड्स हमारे पास में, 6 अपॉन 52, सो 3 अपॉन 26 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है अ स्पेड, स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ओके। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 13 अपॉन 52 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। 6 नंबर में हमें पूछा गया द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के 13 होते हैं और उसमें एक ही क्वीन होती है, ओके। सो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 52, क्योंकि 52 में जो क्वीन होगी डायमंड सी वो कितनी होगी, 1 ही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा 5 कार्ड्स हैं हमारे पास में, ओके। चलिए ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ओनली रीड करके बता रहा हूँ, ओनली 5 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, टोटल कितने कार्ड्स हुए फ्रेंड्स, 5 कार्ड्स हुए, ठीक है। अब उनमें से उनके फेस डाउन करके हमने रखे हुए हैं एंड वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडमली, हम वन कार्ड पिक करते हैं। सबसे पहले हमें लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the card is the queen, okay। तो देखिए queen कितना है इसमें, 1 है और total cards कितने हुए, 5 हुए। तो p of e is equals to favorable outcomes
टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 1, देन 5, 1 अपॉन 5, ओके। सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, हमने सेकंड में क्या किया, क्वीन को लिया और साइड में रख दिया, तो अब हमारे पास में जो कार्ड्स हैं द 10, जैक, किंग एंड एस, यानी टोटल कार्ड्स हमारे पास में कितने बचे, टोटल 4 कार्ड्स बचे। फिर हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप इज एन एस। अब जो सेकंड कार्ड हम पिक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। अब क्वीन को तो हमने साइड में रखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ हो जाएगा टोटल आउटकम्स। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 4, 1 अपॉन 4। देन अ क्वीन, अब क्वीन है तो नॉर्मली देखिए, अब यहाँ पर आपको क्वीन कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो पी ऑफ इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आएगा टोटल आउटकम्स 0 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी आर मूविंग ऑन 16 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, हमें बोला गया है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन्स। तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं डिफेक्टिव पेन्स कितने दिए हुए हैं, 12, देन गुड पेन्स हमें कितने दिए हैं, 132, तो टोटल पेन हो जाएंगे हमारे पास में 144। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट द रेंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। हमें गुड वन पेन हो दिए हमें फाइंड करना है, तो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हैं 132, देन 144, इसका हम फैक्टर्स लेते हैं, 12 इंटू 11, 12 इंटू 12, 12 से 12 कट हो गया, हमारा आंसर होगा 11 इज डिवाइडेड बाय 12। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।